आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बराबर डिस्टेंस को एक बराबर टाइम में कवर कर रहा है तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड में कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है और 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो इट मीन्स वो आपका कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। उसके बाद बात आती है वेरिएबल स्पीड की। तो वेरिएबल स्पीड आपका क्या है, जब आपका इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में है, या उल्टा आप इसको कह सकते हो कि अगर टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, तो उस केस में आपकी स्पीड वेरिएबल होगी, जो कि हम रूटीन में देखते ही हैं। आप लोग जब गाड़ी में मूव करते हो तो हमेशा ही बराबर टाइम गाड़ी नहीं लेती है बराबर डिस्टेंस को मूव करने के लिए, क्योंकि कई बार ब्रेक लगेगी, कई बार आपकी गाड़ी तेज चलेगी, तो हमेशा ही वेरिएबल स्पीड से वो मूव करती है। उसके बाद एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप टोटल लोगे जितना डिस्टेंस आपने कवर किया। जैसे कहीं आप जा रहे हो, कोई स्टेशन आपके घर से 30 किलोमीटर है, तो आपने वो 30 किलोमीटर ही पूरा देना है, और कितना टाइम आपको लगा, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, वो टोटल टाइम आपने उसमें लेना है। तो उस केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब लोगे तो वो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। मान लो आपने एक जरा सा किसी चीज को ऑब्जर्व किया कि वो 1 सेकंड या उससे कम टाइम में वो कितना मूव की है, कितना स्पीड से जा रही थी, तो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए किसी की स्पीड को चेक करना, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कह देते हैं कि किसी इंस्टेंट पे क्या स्पीड थी। तो इसका फॉर्मूला हम लेते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब हुआ कि टाइम आपने बहुत छोटा लेना है जो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो, कम से कम टाइम में आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर करेंगे। अ मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अब इसमें आपको कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो सबसे पहला काम है आप उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट मिनट के लिए अगर हम टाइम लेते हैं तो हमेशा ही एसआई यूनिट लेना है। एसआई यूनिट होता है आपका सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 सेकंड आ गया। स्पीड आपको दी गई है 1 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस होता है इसको हम एस से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। जनरली आपका डिस्टेंस एस से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 1 और टाइम कितना है 60, तो आपका 60 मीटर आ गया। फिर वैसे ही T2 1 मिनट है, 60 सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी स्पीड आपकी क्या है 3 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे का डिस्टेंस कितना आ गया, 3 स्पीड होगी और 60 टाइम हो गया, स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ गया 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 60 प्लस 180, 240 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, पहले भी 1 मिनट लगा था, बाद में 1 मिनट लगा, तो दोनों को आपने सेकंड में चेंज किया, 60 प्लस 60 120 सेकंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 240, और व्हाट इज द टोटल टाइम 120, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन तब कहते हो जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। आपका मोशन तभी यूनिफॉर्म हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी कैसी रहे, यूनिफॉर्म। तो आपने दो पोजीशन ले ली ए एंड बी, जिनके लिए टाइम इंटरवल है T1 एंड T2। तो मान लो हम T1 से T2 के बीच में मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो OA इसको मान लेते हैं X1, O से लेके A का डिस्टेंस, OB O से लेके B तक का डिस्टेंस X2। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई टाइम T1 से T2 तक, मतलब आपने T1 से चलना शुरू किया और T2 तक आप पहुंच गए, तो टाइम कितना लगा T2 माइनस T1। यहां से आप चलना शुरू कर रहे हो और यहां पे खत्म है, तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी निकालोगे, यहां से लेके यहां तक X2 है और यहां से लेके यहां तक X1 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ X2 माइनस X1। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी X2 माइनस X1 और टाइम टेकन आ गया T2 माइनस T1। तो इस तरह से आप विलोसिटी को निकाल सकते हो।
वेलोसिटी को अगर सिंपल वे में लिखें, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें, तो ये बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में भी लिखा जा सकता है, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स टू माइनस एक्स वन और टी है आपका टी टू माइनस टी वन। तो ये दोनों तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, इसी को आप ध्यान में रखना है। इसके बाद हम कुछ ग्राफ करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर में एग्जाम में आ जाते हैं। पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, आपने पोजिशन टाइम ग्राफ लेना है। पोजिशन टाइम ग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसे बनना है, तो ये टाइम हो गया, ये आपकी इस तरफ को पोजिशन हो। तो पोजिशन, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब आपने कोई बुक किसी टेबल पे रखी हुई है, तो क्या उसकी पोजिशन अपने आप चेंज हो जाएगी? नहीं। मतलब अगर आप एक घंटे के बाद देखोगे तब भी वो टेबल पे ही मिलेगी, आप दो घंटे के बाद देखोगे तब भी वो टेबल पे मिलेगी, मतलब उसकी पोजिशन कैसे रहेगी, सेम पोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एक्स नॉट के बराबर ही है, हमेशा एक्स नॉट ही रहेगी अगर आप उसमें कोई चेंज नहीं लाते। तो टाइम बदल रहा है लेकिन पोजिशन कैसी रहती है, सेम। तो इस तरह से उसका ग्राफ बनता है, ये है पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है विद द टाइम उसका क्या है, पोजिशन भी चेंज होती जा रही है। जब टी वन पे हो तो एक्स वन है, जब टी टू पे पहुंच गए तो पोजिशन कहां पहुंच गई, एक्स टू पे। तो बराबर बराबर डिस्टेंस हो, बराबर बराबर टाइम में कवर करेगी। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस तरह का ग्राफ बनता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा, तो अगर मान लो उसकी पोजिशन ज्यादा है, बहुत दूर है, आपसे 5 किलोमीटर दूर है और आपकी तरफ आ रहा है, जब आपकी तरफ आएगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो डिस्टेंस है वो खत्म होता जाएगा और वो जीरो हो जाएगा जब आप तक पहुंच जाएगा। तो कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे दूर खड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो आपकी तरफ आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और लास्ट में वो आपके पास आकर मिल जाता है, तो मतलब 5 मिनट के बाद वो आप तक पहुंच गया है। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेलोसिटी, कि नेगेटिव वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ गया। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में आने को नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आर्टिकल हम इसके ऊपर करेंगे। प्रूव दैट एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन मूविंग विद वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ। आपने ये प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी है वो स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ के बराबर होती है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया, शुरू में जब टाइम जीरो था तो वो एक्स नॉट पे है, जब टाइम टी वन हो गया तो वो एक्स वन पे पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया सी पे। ठीक है, जब टाइम टी टू है तो वो डी पे पहुंच गया, जो किसके बराबर होगा, सामने एक्स टू के बराबर। तो टाइम टी टू टू पे पोजिशन आपकी एक्स टू है, टाइम टी वन पे पोजिशन एक्स वन है, और जब टाइम जीरो था तो आपकी पोजिशन थी एक्स नॉट। ठीक है, हम स्टडी करेंगे टी टू और टी वन के बीच में, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट टी वन से टी टू के बीच में, एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो जब टी वन पे हो तो पोजिशन क्या है, एक्स वन, ठीक है, और जब टी टू है तो पोजिशन क्या है, एक्स टू। तो डिफरेंस कितना आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन, और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब व्हाट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, तो आपने ये ग्राफ को फॉलो करना है। एक्स टू अगर आप देखते हो तो इट इज डी, व्हाट इज एक्स वन, इट इज ई। तो एक्स टू माइनस एक्स वन ये लेंथ हुई, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लेंथ किसके बराबर है, डी ई के बराबर। ठीक है, वैसे ही टी टू माइनस टी वन ये लेंथ है, तो ये किसके बराबर होगी, सी ई के बराबर। ठीक है, और ये एंगल बना रहे हैं अल्फा इस लाइन के साथ। तो आपने पढ़ा है व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, डी ई अपॉन सी ई, इट इज टेंजेंट अल्फा। ये आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा, और याद रखना टेंजेंट अल्फा को ही हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो v किसके बराबर आया, टेंजेंट अल्फा के बराबर, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, कौन सा ग्राफ है, पोजिशन और टाइम का, तो स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ।